हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कुरुक्षेत्र के धरती के चप्पा चप्पा छान मारा, जंगल पहाड़ बस्ती जहां कहीं भी लोग छुपल होके ढूंढ निकाला। शंका रहे उहे भय पांडवन के गुप्तचर दुर्योधन के खोजे निकल चुकल भड़ा। नकुल जी, एक घना जंगल में हम लोगन के रथ ना जा सकेला। एकरा आगे हम लोगन के दुर्योधन के खोजे खातिर पैदल ही जाए के पड़ी। जी भाई जी।
खाली गुप्चर ही ना आचार्य, स्वयं पांडव दुर्योधन और हम लोग के खोजत यहाँ तक पहुँच गेल बाड़न। उ देखी अच्छा भाई भीम हम लोग के ना देखलास, बाकी जदि भीम दुर्योधन के लुकाए के गुप्त स्थान के देख लेलस ता देखा वहां जलाशय दिखाई दे रहा है। चला वहां तनी विश्राम भी कर लिहल जाए और थोड़ा पानी भी पी लिहल जाए। चली भाई जी। देख रहा बाड़ा ना नकुल। हाँ भाई जी, पानी तो बर्फ के लेखा जम गई है। अचरज बा, ठंडा तो इतना अधिक नहीं है, फिर भी पानी जम के बर्फ हो गई है। ये बर्फ के नीचे तना जाने कितना जल प्राणी मर गए हुई है। ए जमल पानी में केहू जीवित रह भी कैसे सकेला। भैया यहाँ रुक के हमने के अपन समय ना गवाव के चाहिए, यहाँ तक केहू छुपिए ना सके। हाँ नकुल, तू ठीक कहा था वह, चला चलल जाए। चले बच गई दुर्योधन, बच गई दुर्योधन। ईश्वर के हमरा पर अभियो कृपा बनल है गांधारी, तबे तो हमार बेटा दुर्योधन उन्मत्त भीम के हाथ से मरे से बच गई। हो न हो ईश्वर दुर्योधन के अपराध के क्षमा कर दिहलन। काश कि ऐसन होइत, काश कि आपके मुंह से निकले वाला शब्द सत्य और शुभ हो जाए। गांधारी तू हमेशा निराशा के बात काहे करेलू, अपना मन के आसपास भय और शंका के काहे बैठौले रहेलू। महाराज आप जेकरा के निराशा भय और शंका के नाम दे रहल हैं, असल में वो एगो कड़वा सच है और सच्चाई से आदमी कुछ देर तक तो छुपल रह सकेला, बाकी हमेशा खातिर ना। महाराज महाराज दुर्योधन भी असत्य और अधर्म के ईटा गारा से अपना झूठा महत्वाकांक्षा के जे महल बनवले बा, उस सत्य और धर्म के आंधी के सामने ज्यादे समय तक टिक ना सकी। महाराज दुर्योधन ज्यादे समय तक अपना मृत्यु से आंख मिचोनी ना खेल पाई। महाराज ना खेल पाई। समझ में नहीं आवत क्यों भगोड़ा कहाँ लुका गिल बा। चला सारथी। भीम से कुछ पता चला कहां लुकाइल बा दुर्योधन। ना भैया पता ना, वो कायर कहां लुका के बैठल बा, धरती के कोना कोना में वो चूहा अपन बिल बनौले बा। यदि दुर्योधन ना पकड़ल गई तका कृपाचार्य
अश्वत्थामा और कृतवर्मा के भी कुछ पता न चलल। हम लोग के गुप्तचर है लोग के खोज में धरती आसमान एक कर देले बाड़न, खंगार देले बाड़न पूरा इलाका के। बाकी ऊ लोग में से एक भी हमरा हाथ ना आई, पता ना ऊ लोग के जमीन खा गई कि आसमान निकल गई। एकरा में निराशा के कोनो बात नहीं खे भीम। आज ना तो काल हम लोग कौरवन के अवश्य ढूंढ निकालब। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यदि ये तीनों में से कोनो एक के भी पता चल गई तो हम लोग आसानी से दुर्योधन तक पहुंच जाए। खुद ये निकल लिए तीन भगोड़न के, अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बच ना सकस। चला हम महाराज युधिष्ठिर के ए तीनों का खबर दे दी। ना, हम लोग के इलो के पीछा करे के चाहिए। इलो जरूर दुर्योधन से मिले जात हुई हैं। हाँ तो ठीक कह रहा बाड़ा, चला। दुर्योधन, युवराज दुर्योधन, युवराज दुर्योधन, युवराज दुर्योधन, युवराज दुर्योधन। युवराज आई, युवराज, युवराज, प्रणाम महाराज। भीम और नकुल हमरा के खोजत खोजत इहवा तक आयल रहन, बाकी संयोग से हम बच गए। और उनकर गुप्तचर वो हम लोगन के भी खोज रहल बाड़न। अब इहवा और ठहरल खतरा से खाली नहीं खे। युवराज के हम सरोवर के अंदर लुकाए के सलाह खाली एक दिन खातिर दिले रही, कहे कि हम जानत रहे कि एक दिन में पांडव चारों दिशा में घोड़ा दौड़ा के खोजे की कोशिश करी है। उनका से दूर भागल असंभव रहे। बाकी अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गई बाड़न, तो हम लोग के लुकाए खातिर कौनो और सुरक्षित स्थान के खोज करे के हुई। जल्दी भागे खातिर हम लोगन के अच्छा और तेज रथ के जरूरत बा। ना कृतवर्मा, ना, रथ अपना पीछे निशान छोड़ जाला। यदि युवराज दुर्योधन इवा रथ से आयल होतन
तो पांडव रथ के निशान देख के जरूर संदेह करितन कि युवराज दुर्योधन इमे लुकाइल बाड़न। ऐसे रथ के बात के भुला जा। अश्वत्थामा, तोहरा कहे के मतलब ही बा कि अब हम लोग के पास पैदल निकले के अलावा कोनो विकल्प नहीं खे। तो फिर हम लोग के समय नष्ट के ले बिना अब ये चल देवे के चाहिए ना कृतवर्मा ना। अभी तो अनहारा बा, लेकिन कुछ समय बाद सूर्योदय होखे वाला बा और पांडव के गुप्तचर हम लोग के खोज में बाड़न। आपन नजर के जाल बिछौले हम लोग के प्रतीक्षा में बैठल हुई हैं। कृपाचार्य जी, आप ठीक कह रहा हैं। बाकी इहुआ रुकल भी तो ठीक नहीं खे, इहुआ खतरा ही खतरा बा। ई खतरा तो हम लोग के मोल लेबे के ही पड़ी। कम से कम काल रात तक आपके इवे लुकाइल रह के पड़ी युवराज। प्रणाम युवराज। कह रहा नहीं मुनिवर, युद्ध समाप्त भी हो गई। बलराम भैया, ए महायुद्ध में सब नाश हो गई ला, सारा सेना लाश के ढेर में बदल गई ला। यहाँ तक कि चिता खातिर लकड़ी भी दुर्लभ हो गई ला। कुरुक्षेत्र से लाश के सड़ांद आ रहा ला। हम जानत रही ए महायुद्ध के परिणाम सर्वनाश के अलावा कुछ हो ही ना सकेला, और इतना भयंकर विनाश हम अपना आंख से देख ना पाती। यही से हम हुआ तीर्थ यात्रा पर चले ली। बाकी मुनिवर, कौन पक्ष के जीत भइल? हार जीत के फैसला अभी नहीं के भाई। हाँ, इतना भयंकर विनाश के बादो? हाँ बलराम जी, ये भयंकर महाविनाश से सब पांडवन तो बच गई बाड़न, बाकी अधिक विनाश तो कौरवन के ही भइल बा। सब कौरवन मारल जा चुकल बाड़न, खाली युवराज दुर्योधन ही शेष बच गई बाड़न। एकर मतलब बा जीत पांडवन के भइल? ना बलराम जी ना, दुर्योधन के हट अभी तक खत्म नहीं खे भइल, ऊ अभी तक हार नहीं खन मन ले। सारथी, रथ के गति बढ़ावा, वायु से भी अधिक तेज भगावा। हम पलक झपकते दुर्योधन के पास पहुंचल चाहत हैं। हम वो आनर पुत्र के भागे का अवसर ना दे, जल्दी चला। और तेज चला, और तेज। ओ सरोवर तक पहुंचे खातिर एक घना जंगल में हम लोग के पैदल ही जाए के होई। ठीक है,
चला चला थे। आई केशव। यही सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के देखले रही, जे युवराज दुर्योधन के पुकारत रहन, और कुछ ही देर में युवराज दुर्योधन यही सरोवर में से बाहर निकलल रहन। कुछ देर तक चारों आपस में कुछ बात कैलन और फिर युवराज यही सरोवर में जाके लुका गैलन।